रवि और मईन दो बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त, इतने पक्के दोस्त कि एक दूसरे के कपड़ों में नजर आया करते थे। एक बार दोनों ही इतने पक्के दोस्तों में जम के लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और रवि को तो इतना गुस्सा आया कि उसने मईन का नंबर ही डिलीट कर दिया। मॉडर्न जमाना है ना, तो मॉडर्न जमाने में कौन एक दूसरे का नंबर याद रखता है। एक बार रवि बीमार हुआ और मईन को पता चलते ही इतने दिनों से बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मईन ने तुरंत ही अपना फोन उठाया, फटाफट से रवि को मैसेज किया, कैसा है मेरे दोस्त, सॉरी इतने दिनों से मीटिंग में बिजी था और बहुत काम में व्यस्त था, तुझसे बात नहीं कर पाया, आज कुछ भी करके तेरे घर पे आता हूँ तुझे मिलने के लिए, तेरी खबर पूछने के लिए, तब तक अपना ध्यान रख। रवि को नंबर याद नहीं था और उसने नंबर डिलीट कर दिया था, एज यू नो। तो उसने भी मैसेज भेजा, आई एम फाइन बट हु आर यू। मईन ने तुरंत ही रवि को कॉल करके बोला, कमाल करता है दोस्त, अब लगता है कि तुझे अंग्रेजी भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हाउ की स्पेलिंग HOW होती है और तूने हु आर यू लिखा है। अपना ध्यान रख, आज रात को कुछ भी करके तुझसे मिलने आता हूं, जल्दी ठीक हो जा दोस्त। जब मईन ने अपना फोन रखा तो रवि को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने अपने इस बेस्ट फ्रेंड का नंबर डिलीट क्यों कर दिया। इतना गुस्सा बिल्कुल सही नहीं, और सच्चे दोस्त कितने पाक और कितने कमाल के होते हैं, गलत मैसेज में से भी सही मतलब निकाल लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि पक्के दोस्त से ना आंखें चुराया करो, उसकी दोस्ती को बार बार ना आजमाया करो, आपकी हंसी में दिल की धड़कन है उसकी, छोटे मोटे झगड़ों में इस दोस्ती को ना गवाया करो। जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो है एक अच्छा सच्चा और नो फिल्टर दोस्त, एक ऐसा दोस्त जिसने हमें रोते हुए देखा हो, जिसके सामने हम हमारे कमजोर पलों में डट के खड़े हो, जिसने हमें कंधा दिया हो और फिर भी वो सच कहने से बिल्कुल ना डरा हो, हमारे किसी भी पर्सनल डिसीजन में उसने कभी दखल अंदाजी ना की हो, अपनी राय जरूर से दी हो लेकिन हमारे पर्सनल डिसीजन से दोस्ती पर असर ना पड़ी हो। एक सबसे अच्छा दोस्त जिसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है सुनना। आजकल सुनने वाले दोस्त बहुत कम मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि एकांत का मतलब मैं अपने साथ हूं और अकेलापन मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं। अगर आप सच्चे और अच्छे दोस्त हो तो अपने दोस्त को एकांत देना, लेकिन अकेलापन नहीं। बस अगर हर किसी के पास दुनिया में एक ऐसा अच्छा और सच्चा नो फिल्टर दोस्त हो ना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही खत्म हो जाएगी, दोस्त जी उठेंगे। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार हर गुरुवार मेरी इस ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रखती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर से देखें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, खेम छो सारू छे, विश्व आखुई मारू छे, अर्चना की ओर से।